नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। यह आपका आर्टिकल है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपका। तो इसमें देखेंगे कि अभी आखिर चर्चा में क्यों है और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा कोरोना का संकट किस प्रकार है उसे भी देखेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य में गिरावट के प्रभाव क्या है उस पर भी देख लेंगे हम लोग। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय की आवश्यकता की महसूस क्यों की जा रही है उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, IMF इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना आपकी जुलाई 1944 में की गई थी। कब? जुलाई 1944 में। एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग, इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है। इसके बारे में हम लोग जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इन सभी को हम लोग देख चुके हैं, काफी हद तक कवर कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में सभी आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र क्या होता है, सबके बारे में बात की गई है। तो IMF द्वारा जारी यह वक्तव्य कि COVID-19 में उत्पन्न संकट महान वैश्विक मंदी के उपरांत सर्वाधिक प्रभावी है, इससे यह निष्कर्षित होता है, यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में कमी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध का अवलोकन आवश्यक हो जाता है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की कक्षा 9वीं की NCERT की बुक्स देख रहे थे, उसमें आपने देखा होगा कि शिक्षा स्वास्थ्य प्रशिक्षण का किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व होता है, यानी कि योगदान होता है। किसी को आप लोग शिक्षा देंगे, उसके स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे तो किस तरह है वो सरकार की अर्थव्यवस्था में यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में सहयोग दे सकता है, सब कुछ उसमें बात की हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा कोरोना संकट। विश्व बैंक तथा अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मानकों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की वृद्धि दर सर्वाधिक न्यूनतम आंकड़ों तक पहुंचेगी उदारीकरण के उपरांत। भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत को 2021 में नकारात्मक वृद्धि दर की स्थिति का संकेत दिया है। हालांकि IMF द्वारा भारत हेतु प्रस्तावित 1.9% की वृद्धि दर संपूर्ण G20 देशों में सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ भारत की स्थिति G20 देशों में अच्छी बताई जा रही है। कोरोना संक्रमण के प्रतिक्रमण स्वरूप किए गए लॉकडाउन के प्रथम माह में ही बेरोजगारी दर 6.7% बिगड़कर 26% हो गई। कितनी? पहले आपकी बेरोजगारी दर 6.7% थी जो कोरोना संक्रमण की वजह से 26% पर पहुंच गई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के लगभग 45% परिवारों की आय में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भारतीय आर्थिक गतिविधियों का 25% से भी कम हिस्सा कार्यरत था, जिसके फलस्वरूप देश को आर्थिक क्षति हो रही थी। भारत में प्रवासी श्रमिक वर्ग सर्वाधिक सुबिध था, जबकि किसानों की स्थिति भी अनिश्चित हो गई थी। होटल और एयरलाइंस जैसे विभिन्न व्यवसाय वेतन में कटौती कर रहे हैं और कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं। अतः निष्कर्ष है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में गिरावट से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति होती है। आप भी सोच सकते हैं, आपके यहाँ मान लीजिए आप 3-4 लोगों को काम देने की यानी कि रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। अब आपके यहाँ जो रोजगार पर जिन लोगों को रखे हुए अगर उनका स्वास्थ्य ठीक ना रहे, बार बार उनकी तबीयत बिगड़ती रहे, तो आप उन्हें रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी जो भी काम कर रहे होंगे उसमें नुकसान होगा, इसलिए आप एक स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति को ही रखना पसंद करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य में गिरावट के प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य व आर्थिक वृद्धि में सह संबंध समझने हेतु
सर्वप्रथम आवश्यक है कि स्वास्थ्य के बेहद मानदंड को समझा जाए। स्वास्थ्य मात्र रोगों का अभाव नहीं, वरन यह एक व्यक्ति की आंतरिक क्षमता का सूचक है, जिससे वह निरंतर अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। अतः यह सिद्ध है कि भारत द्वारा जनसांख्यिकीय लाभ को वास्तविक रूप में प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा श्रमिक वर्ग किसान पर निर्भर है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र को मजबूत करने हेतु भी बेहतर स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ये सभी कारक अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। आपके ऐतिहासिक अध्ययनों के परिणाम स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के बीच बहुत मजबूत संबंध का सुझाव देते हैं। रॉबर्ट डब्ल्यू फॉगेल ने निष्कर्ष दिया कि पिछले 200 वर्षों में इंग्लैंड के आर्थिक विकास के एक तिहाई सुधार वहां की जनसंख्या के भोजन की खपत में सुधार के कारण है। अब हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव की, तो गरीबी का दुष्चक्र। स्वास्थ्य में गिरावट परिवार की आय को कम करती है, जिससे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण आयामों की मांग कम हो जाती है, जो पुनः आर्थिक वृद्धि दर को कम करती है। अब आप भी सोच सकते हैं, किसी पहले से ही किसी परिवार की खस्ता हालत हो, उसमें कोई बीमार पड़ जाए तो उस परिवार का क्या हालत होगी, और खस्ता हालत हो जाएगी, यानी कि और गरीबी में ग्रसित हो जाएगा। शिक्षा पर प्रभाव। पारिवारिक आय के स्वास्थ्य क्षेत्र में जाने से शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कम हो जाता है, जो पुनः मानव संसाधन विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आप भी समझ सकते हैं कि गरीब कहाँ, हम लोग इसी तो बात लिए बात कर रहे हैं कि जो NCERT आपकी देखी जा रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि एक परिवार जब गरीबी में जी रहा हो वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। किस तरह से 1500 रुपये, आपने देखा है उसमें कि 1500 रुपये महीने कमाता है, उसके घर में 4 मेंबर हैं और भी 4 बच्चे हैं उसके, और 2 लोग पति पत्नी वो, तो बताइए 1500 में महीना कैसे कटता हुआ, कैसे चलता हुआ उनका परिवार। वो कहाँ सोचने की भी हिम्मत नहीं रखते होंगे पढ़ाने की अपने बच्चों को, और अगर नहीं पढ़ाते होंगे तो आप आगे की देख सकते हैं कि बच्चे भी वही काम करेंगे जो बाप माँ बाप कर रहे हैं। पर आपका असमानता को जन्म, स्वास्थ्य में अधिक खर्च आर्थिक असमानता को जन्म देता है, जो संविधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। यही तो है असमानता को जन्म देने वाली, एक गरीबी एक अमीरी, इनकी जो बीच की दूरी होती है वो बढ़ती जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय की आवश्यकता का अवलोकन क्यों है। इस तथ्य को के साक्ष्य हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा में निवेश से समृद्ध आर्थिक लाभांश मिलता है। WHO कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ 2001 के अलावा 2 अन्य अर्थशास्त्रियों की अगुवाई वाली रिपोर्ट इन्वेस्टिंग इन हेल्थ 1993 और 2013 ने निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या स्वास्थ्य में निवेश से आर्थिक विकास के समृद्ध लाभ प्राप्त होंगे। 2013 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को स्वास्थ्य में निवेश पर क्रमशः 9 से 20 गुना प्रतिफल की प्राप्ति होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके देश के बच्चे जो युवा हैं, अगर वो पढ़ लिख जाए, उनके स्वास्थ्य स्थिति ठीक रहे, तो देश की तरक्की में वो दोगुना फायदा होगा हमें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कई आपके अर्थशास्त्री भी बोल चुके हैं, कई महान जो जानते हैं इस क्षेत्र की ज्ञाता है वो भी बोल चुके हैं कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, चाहे वो 10 लाख का इलाज हो या फिर 50 लाख का, ठीक है। और स्कूलों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, फिर चाहे गरीब का हो और अमीर का। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारे जिस दिन हमारी जनता पड़ गई, बच्चे पड़ गए गरीबों के, फिर नेताओं का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो समझने लगेंगे सही गलत का फैसला करने लगेंगे। वे हमारे नेता कभी चाहेंगे भी नहीं। दिल्ली का काम मुझे बढ़िया लगा कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूलभूत जरूरतें तो हैं गरीब हर आदमी की। उसमें गरीब को अगर आप लोग शिक्षा दे देते हैं और स्वास्थ्य की सुविधा दे देते हैं, तो एक तरह से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में वोट भी देखिए आपकी,
पूरी दम झोंकने के बाद भी सभी पार्टियों की अरविंद केजरीवाल को नहीं उखाड़ सकी, क्योंकि काम उसने किया है, अब किसी को रास आया हो या ना आया। ठीक है, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च स्तरीय आयोग ने 2016 में रिपोर्ट दी कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के आकार और कौशल को बढ़ाने के लिए निवेश से बेहतर जनसंख्या स्वास्थ्य और परिवार और उत्पादकता के माध्यम से आर्थिक विकास होता है। भारत द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश भारत को बेहद जनसांख्यिकीय लाभ की ओर ले जा सकती है। जनसांख्यिकी रूप से युवा आबादी द्वारा किए गए उत्पादकता को संरक्षित किया जा सकता है। विविध स्वास्थ्य कर्मचारियों की शिक्षा, कौशल, जनसंख्या और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उत्थान कर सकते हैं। भारत में क्षमता है कि घरेलू स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उपरांत भारत विस्तारित वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर अपनी वैश्विक छवि मजबूत कर सकता है। इन सिद्धांतों ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण को आगे बढ़ाया है। अब यह प्रश्न संभव है कि आर्थिक मंदी के दौर में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय कैसे किया जाए। इतिहास हमें दिखाता है कि इस तरह का निवेश आर्थिक प्रतिकूलता के समय में विशेष रूप से उपयोगी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने 1990 के दशक के एशियाई वित्तीय संकट के दौरान और उसके तुरंत बाद स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में निवेश किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूनाइटेड किंगडम ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को स्वीकारा। जापान ने 1960 के दशक की शुरुआत में उस युद्ध में हार से प्रभावित आर्थिक चोटों से उबरने के लिए ऐसे लागू किया गया था। उन सभी ने माना कि स्वास्थ्य में अनेक अधिक निवेश आर्थिक विकास के लिए उपयोगी है। भारत को भी अपनी आर्थिक वृद्धि के पिछले वक्त को बढ़ावा देने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना होगा। आप समझ सकते हैं कि हर देश, जो भी आपका विकसित देश है, वो स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर एक बड़ी मात्रा खर्च करता है। वो लोग जानते हैं कि यही दो हमारे देश को तरक्की दे सकते हैं। फिर आपका जापान हो, ब्रिटेन हो, कोई भी अमेरिका हो, ब्राजील हो, सब देश समझते हैं, लेकिन एकमात्र हमारा देश है इसे अछूता है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि नेता बदलते रहते हैं, वो कभी आपके काम नहीं आने वाले। ठीक है।